हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की मक्की की रोटी, और इसको टोडा भी कहा जाता है। तो इसमें मैंने ले लिया है मेथी आधा किलो, और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची। अब मैं इसमें आटे को छान लेती हूँ, मक्की के आटे को छानने लगी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, और इसमें सॉल्ट डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया, और मैं इसमें डाल रही हूँ कूटी लाल मिर्च। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डालिएगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको गूंथने के लिए लिया है, ये दूध नहीं है, ये जो मलाई का जो हम इसको जमाते हैं फिर उसके बाद बटर निकालते हैं, उसकी जो छाछ होती है, बटर की छाछ, ये वो है। हम इसके साथ इसको गूंथेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसके साथ गूंथिए। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आप इसको यूज़ करो, इसको ऐसे मत फेंकिए। सर्दियों में तो हम इसको यूज़ कर ही सकते हैं, गर्मियों में तो इससे जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसको हम गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसको गूंथते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बाइंड होने लग पड़ा है। अभी हम इसको जितना गूंथेंगे ये उतने अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इसको इस चीज़ से मलना होता है, ये हमारी रिस्ट से। इसको हम ऐसे करके मलेंगे, जितना हम इसको ऐसे मलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये बाइंड हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मक्की का आटा है ये गूंथ के रेडी है। अब हम इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पन्नी ले ली है नॉर्मल सी, जिसमें सब्जी आती है। मैंने इसको यहाँ से काट रही हूँ। मैंने इसको कपड़े से पहुँच लिया है, जो हमारा कोना होता है किचन टॉवल, उससे मैंने इसको पहुँच लिया अच्छे से, अंदर से बाहर से सब जगह से। अब मैं इसको ऐसे साइड से कट कर रही हूँ, और मैं दूसरी साइड से भी इसको कट कर लूँगी ताकि हमें इजी हो जाए उठाने में। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे कट कर लिया ताकि ये ऐसे खुल जाए। देखिए, ये ऐसे खुल जाएगा और ये हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे थोड़ा सा, मैं लगाऊंगी ऑलिव ऑयल। मैंने जीवो का परमेंस ऑलिव ऑयल लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, और मैं इसको अब इसको दूसरी साइड पर भी लगाने के लिए इसको ऐसे कर लूँगी। ये दोनों साइड पर लग गया है। अब मैं कर लेती हूँ अपनी गैस ऑन। गैस ऑन करने के बाद मैं मक्की की रोटी का एक पेड़ा लूँगी। देखिए, एक पेड़ा लिया है मैंने, इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए इसको ऐसे दबा लिया। दबा के अब मैं इसके बीच में ऐसे रख रही हूँ, और हल्का हल्का मैं इसको थोड़ा सा भी प्रेस करूँगी। देखिए, ऐसे प्रेस किया, और मैं इसको उल्टी साइड से दूसरी साइड उसके ऊपर रख के अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मुझे थोड़ा पतला चाहिए, आपको जैसा चाहिए, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला, आप ऐसे करके इसको थोड़ा कर लीजिए। देखिए, मेरे को जितना चाहिए मैंने इसको वैसा प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको हाथ में ले लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको हाथ में ले रही हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा, जब आप ऑयल लगा के उतारोगे तो आपके हाथ में पूरा का पूरा आएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तवे पे डाल दिया, तवा गर्म हो गया था, मैंने इसको तवे पे डाल दिया। अब इसको एक साइड से पक जाने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है कि एक साइड से हो गया। अब हम इसकी स्पैचुला की मदद से इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके साइड चेंज कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसके दूसरे साइड पे भी ऑयल लगा रही हूँ। एक साइड पे ऑयल लगा रही हूँ, अभी मैंने साइड ही चेंज किया था। अब मैं इस साइड पूरा ऑयल को स्प्रेड कर लेती हूँ और इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल मैंने एक ही साइड पे लगाया है, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अब हमारा ये तैयार हो गया, अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये ओरिया है। मैंने इसको इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में ये है अनारदाने की चटनी, मैंने इसको सर्व किया है अनारदाने की चटनी और ओरिया के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनारदाने की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।